जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेकफुली चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको फंडामेंटल गेट्स या फिर आप बोल सकते हैं लॉजिकल गेट्स मैंने आपको पढ़ाए थे। आज से हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल गेट, यानी कुछ ऐसे गेट्स जो दो गेट्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कॉम्बिनेशनल गेट बोलते हैं। यानी कि एक गेट से नहीं, उसमें एक और गेट होता है तो उसे हम कॉम्बिनेशनल गेट बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशनल गेट में आज हम पहला पढ़ेंगे नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी समय बर्बाद के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं नॉर गेट पढ़ना, तो नॉर गेट क्या होता है पहले हमें ये जानना जरूरी है। द लॉजिक नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिटल लॉजिक OR गेट एंड एन इन्वर्टर और NOT गेट कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। तो लॉजिक गेट, तो लॉजिक NOR गेट हमारा क्या है? लॉजिक NOR गेट हमारा एक कॉम्बिनेशनल गेट है, जो कॉम्बिनेशन है किसका? डिजिटल लॉजिक OR गेट का, यानी एक OR गेट का और साथ में NOT गेट का कॉम्बिनेशन है। NOR गेट और OR गेट मिलकर हमारा एक NOR गेट बनता है, जिसे हम कॉम्बिनेशन गेट भी बोलते हैं। ठीक, और पढ़ते हैं। ए NOR गेट इज अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट that works on the principle of neither this nor that. This type of digital logic gate produces a high output only if two binary results are satisfied by a zero or low inputs. जो NOR gate होता है वो एक सिद्धांत पर काम करता है। वह क्या है? वह neither this nor that. इस तरह के जो digital gate होते हैं वो जो high output तभी produce करते हैं जब आपका जो binary result satisfy करता है उस zero से। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपके binary inputs अगर लो इनपुट्स होंगे, यानी कि जीरोस अगर आपके इनपुट्स में जा रहे हैं, तभी वह हाई आउटपुट यानी कि वन प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके के गेट यही करते हैं। ठीक है, आगे हम और जान लेते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं हम नॉर गेट के सिंबल की। नॉर गेट का सिंबल किस तरीके का होता है, तो हम एक सिंबल यहाँ बना लेते हैं। इधर आप एक इनपुट मान लीजिए ए, इधर आप एक इनपुट मान लीजिए बी, इधर आप आउटपुट मान लीजिए जेड। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो एक और गेट है। भाई देखो, और गेट तो है पर साथ में नॉट गेट भी है। नॉट गेट क्या है? देखिए इसमें डिफरेंट क्या है नॉर गेट और गेट में। यहाँ देखिए, एक ये आपको यहाँ कुछ सर्कल से मिलेगा ना, छोटा सर्कल, ये नॉर गेट की पहचान है। अगर किसी भी गेट के आगे सपोज किसी एंड गेट हो, इसके आगे जीरो लगा दियो, मतलब इस तरीके सर्कल लगा दियो, तो ये साथ में एंड गेट तो है, साथ में नॉट गेट भी है। इसी तरीके से यहाँ एक और गेट तो है, पर यहाँ पर साथ में ये जो यहाँ डॉट जो लग रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक नॉट गेट भी है। तो इसका हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम इसका डिटेल सिंबल या डिटेल सर्किट हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि नॉर गेट हमारा दो गेट से मिलकर बना होता है, तो हम एक और गेट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें दो इनपुट चले जाएंगे हमारे, एक हमने बी ए मान लिया था, एक हमने बी मान लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा कि नॉट गेट मिलता है, ये तो और गेट बन गया ना। अब नॉट गेट मैंने आपको बताया था एक इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है, और नॉट गेट में यहाँ पर आपको एक डॉट सा एक सर्कल से बनाना होगा, और इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आपको जेड मान लिया था हमने। ठीक है, तो ये इसका डिटेल डायग्राम आप इसे बोल सकते हैं। इसमें एक और गेट का यूज हो रहा है, इसमें एक नॉट गेट का यूज हो रहा है, और जो नॉट गेट का जो सिंबल या फिर डायग्राम है वो ये वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पहचान क्या है कि और गेट के बाद एक ऐसा डॉट या फिर एक छोटा सर्कल इसके आगे बना हो, तो इसके मतलब इसमें नॉट गेट का यूज हो रहा है। अब हम देख लेते हैं ट्रुथ टेबल के बारे में। देखिए, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, नॉर गेट में ये नहीं है कि इसमें दो ही इनपुट जाएंगे, इसमें दो या दो से ज़्यादा भी इनपुट जा सकते हैं। ठीक है, और इसका इक्वेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसका एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन आप देखेंगे इस सिंबल का, इस गेट का। देखिए, हम यहाँ देखें इन सिंबल पे, ए और बी आपके इनपुट है और गेट के लिए। तो मैंने बताया था और का मतलब एडिशन से होता है, तो ए प्लस बी यहाँ तक इसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी इस नॉट गेट के अंदर जाएगा, तो नॉट गेट का मतलब बताया था मैंने आपको, उसका मतलब होता है इन्वर्टेड, या आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए बी अगर इनपुट अगर आपके नॉर गेट में जाएगा, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इसका आउटपुट आएगा। ठीक, अब हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल, क्योंकि हमारे पास दो इनपुट है, तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। टू की पावर एन पर आप काम करते हैं, मैंने बताया टू आपका बेस होगा, एन यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू टू, टू टू ज़ा फोर, तो फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके होंगे। तो दो बार आप जीरो लिख दीजिए,
ए के लिए, दो बार आप वन लिख दीजिए। अब दो बार आपने जीरो लिख दिया तो आप इधर बी के लिए एक बार जीरो लिख दीजिए, एक वन एक जीरो एक वन, ठीक है। ये चार कॉम्बिनेशन होंगे। देखिए जीरो में जब आप जीरो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ओके। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा होता है, जहां जीरो होता है वहां वन हो जाएगा और जहां वन आता है वहां जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो है इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि वन, तो आउटपुट आया आपका वन। अब आप दूसरे वाले इनपुट को आप देखिए, जीरो वन, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। अब क्योंकि नॉर गेट यूज कर रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट वन के कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, तो आउटपुट आया आपका जीरो। तीसरा इनपुट आप देख लीजिए, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, वन के कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट है इसलिए वन के कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, तो आउटपुट आया आपका जीरो, ठीक। वन और वन टू होता है मैथ में, पर कंप्यूटर में वन और वन वन ही होता है, तो वन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, तो आउटपुट आया आपका जीरो। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि इस तरीके के जो गेट होते हैं ना, वो हमेशा तभी हाई आउटपुट यानी कि वन प्रोड्यूस करेंगे जब आपके लो इनपुट्स होंगे। तो कब इसमें हाई आउटपुट आएगा, जब आपके दोनों के दोनों इनपुट जीरो होंगे, लो होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।